बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आपके दांत सेहतमंद हैं तो आप यकीनन ख़ुद भी सेहतमंद होंगे, और वो लोग जिनको दांतों में अक्सर तकलीफ़ का सामना रहता है, स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में, और इन दोनों जो एजें होती हैं उनमें दांतों की बहुत सारी तकलीफ़ का सामना अक्सर लोगों में पाया जाता है। दोस्तों, आज मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, जर्मन की एक बहुत टॉप क्लास होम्योपैथिक मेडिसिन है और दांतों के मुख्तलिफ अमराज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है, और ये 4 से 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का ये मजमूआ है, और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और ये फिर आपको कहाँ से मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आज अता करे। दोस्तों, आज इस मेडिसिन के बारे में अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये स्पेशली तौर पर दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों के बहुत सारे मिसाल, स्पेशली बच्चों में अगर दांत निकलने के दौरान उनको बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं, उनको बहुत दर्द होता है, उनकी बहुत ज़्यादा राल बहती है, उनके मसोड़े दर्द करते हैं, और इसके साथ साथ जब नया दांत निकलता है तो फिर उसके लिए बहुत शदीद किस्म का उनको दर्द होता है। और वो लोग जो अपना दांत निकलवाते हैं या जवानी में जब उनको अगर दोबारा को दांत इस तरह का निकल आता है तो फिर उसके लिए उनको बहुत शदीद तकलीफ होती है। और वो लोग जिनको दांतों में शदीद तकलीफ अक्सर मसोड़ों में रहती है और फिर उनको मास्कोरा हो जाता है और ठंडा गर्म लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर रेक्विन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, जर्मन की होम्योपैथिक मेडिसिन है। 4 से 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का ये मजमूआ है, और इसमें जो 4 से 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपकी दांतों की सेहत के लिए बहुत ही लाजवाब हैं। और आपने इस मेडिसिन को डॉक्टर रेक्विन नंबर 35 की जो मेडिसिन है इसको आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को ये बता रहा हूँ कि ये जो मेडिसिन हैं 4 से 5 मेडिसिन वो कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल है वो है एकोनेटियम, यानी एकोनेटिक की बहुत सारी अलामत हैं। सबसे बड़ी जो अलामत है इसमें बुखार है, खौफ है, खांसी है, और इसके साथ साथ जो दर्द है और जो सर्दी के असरात होते हैं और उसके साथ साथ ठंडा गर्म लगने वाले जो असरात होते हैं दांतों में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन ये मानी जाती है। इसके साथ साथ अगली मेडिसिन है इसमें कैल्शियम कार्ब, स्पेशली बच्चों में कैल्शियम की कमी की वजह से अगर दांत निकलने के दौरान उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी दांतों की नशोनुमा में मसला होता है, तो इनकी दांतों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतरीन, दांत निकालने के लिए बहुत बेहतरीन कैल्केरिया कार्ब बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन। अगली मेडिसिन है कैमोमिला, बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन, मामूली सी बातों पर शदीद तकलीफ, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इस तरह की बहुत सारे मामलों के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, और स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा ये यूज़ करवाई जाती है। बड़ों में भी अगर गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, तो कैमोमिला आप यूज़ करवा सकते हैं। इसके साथ साथ कालूसंत बहुत लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन, और कालूसंत जो है ये बहुत ही लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है, ऐसी बेचैनी के लिए जो दांतों के दर्द की वजह से बेचैनी होती है, जिसके साथ साथ फड़कन होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और अक्सर औकात में शदीद किस्म का तशंजी किस्म का दर्द भी होता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन ये मानी जाती है। अगली मेडिसिन है इसमें एग्निशिया, हिस्से कैफत के अगर दौरे पड़ते हों, बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाजी हो और नाजुक मिजाज लोगों को अगर दांतों में दर्द हो तो फिर उसके लिए एग्निशिया इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ स्टेफिसाइगेरिया है, आसाबी दर्दों के लिए, यानी दांतों के नीचे छोटे छोटे मसल होते हैं और उनके दर्द की वजह से दांतों में दर्द होता है, और इस वजह से अगर आपको दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कीड़ा लगने की वजह से दर्द होता है, तो बहुत ही लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है। और अगली मेडिसिन इसमें शामिल है ब्रायोनिया, जिलियों के वर्म की वजह से, स्पोजिश की वजह से, और अगर आपका मुंह सूज जाता है, दांतों के दर्द की वजह से पस पड़ जाती है, तो ब्रायोनिया बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इन सब बीमारियों में जिनमें आसाबी हिस बड़ी हो, खासतौर पर बच्चों में सर्दी लगने का नतीजा हो, ब्रोंकाइटिस की वजह से हो, सोजिश को फौरन कम कर देने वाली, और ऐसी तमाम सिचुएशन में जिसमें दांतों में शदीद किस्म का दर्द होता हो और बेचैनी रहती हो और इसके साथ साथ ठंडा गर्म लगता हो और दांत निकालने में प्रॉब्लम होती हो, तो ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन डॉक्टर रेक्विन नंबर 35 बहुत ही लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साथ साथ एक माहौल मेडिसिन के तौर पर आप मिर्क साल 30 में
आप ले सकते हैं और मिक्सल 30 और डॉक्टर रेकवे नंबर 35 आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपको आफाका होगा, ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से इजीली मिल जाएंगी और इसकी जो लगभग कीमत है 700 से 800 के दरमियान है। और इंशाल्लाह आप इसको लेके अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।